देखो ये भी एनडीए का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, फोर डिजिट नंबर्स आर फॉर्मड यूजिंग द डेट्स 1, 2, 3, 5 विदाउट रिपीटेशन। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4? ठीक है, डिविजिबल बाय 4 के लिए पूछा है। फोर डिजिट नंबर है 1, 2, 3, 4। अवेलेबल ऑप्शन क्या है? 1, 2, 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, जो लास्ट के दो डेट्स है वो दोनों 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अच्छा, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं? अगर लास्ट के दो डेट में किस तरह से फ्रेम कर सकता हूँ, 12 ये डिविजिबल है और 13 नहीं है, 15 नहीं है। फिर अगर मैं 2 से देखूं, मतलब 1 से जो जो स्टार्ट होते हैं, 1 से मैं 12 बना सकता हूँ, 13 बना सकता हूँ, 15 रिपीट हो नहीं कर सकते, तो इसमें से 12 डिविजिबल है, ये दोनों नहीं है। अब मैं अगर 2 से देखूं तो 21, 23 और 25, इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं है 4 से। फिर अगर मैं 3 से देखूं तो 31, 32 और 35, तो इसमें से सिर्फ 32 ही डिविजिबल है। ठीक है, सिर्फ 32 ही डिविजिबल है। अब मैं अगर 5 से देखूं तो 51 और 52 और 53, 53 नहीं है, 52, 51 नहीं है, 52 होता है क्या? हाँ, 52 हो जाएगा। 4 वन द 4, 4 थ्री 12, 13 का। ठीक है, तो 52, तो बस यही डिविजिबल है अब। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे 4 डेट। अब इधर अपने अपन चेंज कर सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास, अब देखो इधर 1 और 2 यूज हो चुके हैं, तो इधर ऑप्शन क्या क्या बचे हैं मेरे पास? 3, 5। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, अब इसके लिए एक ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 या 5 में से कुछ भी डाल सकता हूँ, दो ऑप्शन, और इसके लिए फिर एक ही बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हो गए दो नंबर, यहाँ से बनेंगे। अगर नंबर बना के बता देता हूँ, एक होगा 3, एक होगा हमारा 3, 5, 1, 2 और एक होगा हमारा 5, 3, 1, 2। एक ये नंबर हो जाएगा। इसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। इसके लिए मेरे पास क्या क्या बचा है? इसके लिए मेरे पास 3 और 2 यूज हो चुका है ना, तो अब मेरे पास 1 और 5 बचा है। तो इसके लिए जो मेरे दो नंबर बनेंगे, एक होगा 1, 5, 3, 2 और एक हो जाएगा मेरा 5, 1, 3, 2। अब इस सेम, इसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन बचे, 5 और 2 यूज हो चुका है, मतलब 1 और 3 बचा है। तो मेरे नंबर यहाँ से क्या बनेंगे, एक मेरा बनेगा 1, 3, 5, 2 और एक मेरा बनेगा 3, 1, 5, 3, 1, 5। तो टोटल कितने नंबर बन रहे हैं? टोटल मेरे पास 6 नंबर्स बन रहे हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।